इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। आप जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। आपके चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। और कहा कि 40% कमीशन सरकार लेती है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का एक नेता कमीशन नहीं दे पाया, उसने स्वयं आत्महत्या कर दी। और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने।